दोस्तों नमस्कार, मेरा चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नए जानकारी के साथ आया हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर इस तरीके से ये फार्म पर इस तरीके का टैंक लगाया, साइलो कहा जाता है इसको। और इस टैंक को मैं आज थोड़ा जो भी पुराना सिस्टम था, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर बैक साइड पे जो पुराना एमएस शीट का आयरन मेटल से बनाया गया था स्क्वायर टाइप से, सो उस चीज़ को मैं निकाल कर आज नया सिस्टम लगाया हूँ इस तरीके से। दोस्तों, आप लोग जितने भी फार्मर्स, न्यू फार्मर्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग बड़े बड़े फार्म ओपनिंग कर मुर्गियों के फार्म ओपनिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से साइलो बिठाएं। जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का नई नई जानकारी लेके आता रहूँगा। सो दोस्तों, आज मैं इस साइलो के बारे में किस तरीके के बनती है और इसमें क्या सिस्टम लगाया गया है पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। सो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फार्म का अंदर और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंडे रखे गए हैं। एक लाइन का कलेक्शन ये जो आप लोगों को देख रहा है इस तरीके से, अभी भी कलेक्शन प्रोसेस चालू है। और यहाँ पर इस तरीके से पुराने ट्रॉलीज बनाए गए हैं, ये जो कि बहुत साल पहले से बनाई गई है, पहले बनाया जाता था इस तरीके के ट्रॉली। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर अभी का टाइम पर आप लोग देखें तो इस तरीके के ट्रॉली बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सा सिस्टम आई है और बहुत अपडेट हो चुकी है। अभी के जो भी नए नए फार्म्स बन रहे हैं, बहुत ही अलग क्वालिटी की और कम लेबर और कम टाइम में जो भी वर्क रहती है पोल्ट्री फार्म का, बहुत ही कम समय पे इजी प्रोसेस से हो जाने की सिस्टम लगाई जाती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मोटर कनेक्शन लगाई गई है, आगर सिस्टम, जो मुर्गियों का ये फिट ट्रॉली जो है उसमें दाना भरने के लिए। यहाँ पर बहुत साल होने के कारण यहाँ पे ये जो भी थिकनेस वगैरह है वो कम होने के कारण होल्स पड़ गए हैं। मैं इस आगर सिस्टम को थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूँ इस तरीके का फार्म पर। आप लोग यहाँ पर देखिए, जो भी टी एंगल लगाए गए हैं फिट ट्रॉली चलने के लिए, बहुत सारे दिक्कतें आती है अंडे ट्रॉली के लिए, आदमियों को फूड सप्लाई के लिए इधर से उधर चलने के लिए भी दिक्कतें आती हैं। इस तरीके का ट्रॉली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जो भी ट्रॉली बनते हैं ये छोटे छोटे फार्मों पर अगर लगाए जाए तो मैं कहूँगा कि बहुत ईजी रहेंगे। आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे वीडियोस देखें। बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी पर मैंने फीड ट्रॉली बनाई है और गोडाउन पर जितने भी मशीन्स बनते हैं लेयर पोल्ट्री फार्म पर, उन सारे मशीन्सों को मैं बनाता हूँ। और दोस्तों, अगर इस तरीके का आप लोग मशीन्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर संपर्क करें। अब आता हूँ मैं दोस्तों इस टैंक जो साइलो कहा जाता है इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये बड़े बड़े फार्मों पर लगाया जाता है ताकि मुर्गियों के लिए कोई भी दिक्कतें ना हो, मुर्गियों के लिए फूड स्टॉक पहले से ही स्टॉक करके रखा जाए। ये 3 टन कैपेसिटी की साइलो है और यहाँ पर पूरे नट बोल्ट सिस्टम लगाए गए हैं, जिंक कोटिंग का रहेंगी मटेरियल और यहाँ पर पूरी सुविधाएं रहेंगी। अगर कई साल बाद इसका अगर कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाए तो अगर चेंजिंग करना चाहे तो एक एक पार्ट चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी लगाया जाता है नीचे, जो भी ये प्लेटफॉर्म कहा जाता है टैंकर को टैंकर से भरने के लिए सुविधायक होने के लिए इस तरीके से। इस तरीके का बहुत सारे वीडियोज़ है, आप लोग मेरे पिछले वीडियो जाकर देखें। और दोस्तों, जितने भी नए फार्मर्स हैं, आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो भी नए नए जानकारी वगैरह होंगी मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर।